गाइस कुछ अलग करने की चाह में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसा ही जुनून बुल्गारिया में रहने वाले एक लड़की पर सवार है। असल में ये लड़की दुनिया में सबसे बड़ा होंट बिगेस्ट लिप्स इन द वर्ल्ड पाने के लिए अपने होंठों की कई बार सर्जरी करा चुकी है। इनका नाम है एंड्रिया इवानोवा। ये अपने बॉडी मॉडिफिकेशन की जर्नी 2018 में शुरू की थी और वे इस लुक को पाने के लिए अब तक 7.59 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च कर चुकी है। बस इतने ने वो अपने होंठों को इस तरह बनाए रखने के लिए हर 2 हफ्ते में हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन ले रही है। उनके होंठ अब इतने बड़े हो गए कि उनके नॉस्ट्रिल बंद हो रहे हैं। इस लुक की वजह से उन्हें खाने पीने में भी परेशानी हो रही है। इसके बाद भी अपने चिन को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अब वे अपने चिन को लंबा और मोटा बनाने के लिए चेहरे पर और इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार है। हालांकि डॉक्टर सुन अब वार्न कर चुके हैं कि अब एक और इंजेक्शन उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। गाइस किसी भी इंसान के लिए दर्दनाक जख्म जलने का जख्म होता है। वैसे तो जलने के इलाज के लिए कई इफेक्टिव तरीके मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ब्राजील के डॉक्टर जलने के जख्म के इलाज के लिए टिलेपिया नाम के एक मछली की स्किन का उपयोग करते हैं और जले हुए मरीज के इलाज में भी ये स्किन काफी ज्यादा प्रभावी भी साबित हो रही है। इस मछली के स्किन में प्रचुर मात्रा में कोलेजन और नॉन इफेक्टिव माइक्रोबायोटा मौजूद होता है जो जख्म को तेजी से भरने में मदद करता है और इसकी मदद से मरीज के दर्द को कम भी किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों का कहना यह है कि इससे बीमारी के इलाज पर खर्चा भी कम आता है। इसलिए इन्हीं फायदों के कारण ब्राजील के डॉक्टर जलने के जख्म के इलाज के लिए इन्हीं मछली के स्किन का उपयोग करते हैं। गाइस ईस्ट अफ्रीका के टांजानिया में एक ऐसा झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों के पत्थर बना देता है। जी हाँ गाइस आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल इस झील का नाम है लेक न्यूट्रॉन और इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों की स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वो पत्थर बन गए होंगे। कोई भी झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर झील के ऊपर से गुजरने वाले बाढ़ झील में गिरकर पत्थर क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना यह है कि लेक में रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बाढ़ के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थरों में बदल गए। गाइस क्या आपको इससे पहले तक इस झील के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।